ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में देखने लायक चीजें बहुत कुछ है, लेकिन तुमको मेरी ही वीडियो देखनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक पर्ल में। मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आर्टिस्ट का वायरलेस ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर, जो कि यार ये स्पीकर नहीं, आप देख सकते हैं इसका हाइट कितना बड़ा है। ये एक मॉनिटर स्पीकर है, इसमें आपको बैटरी इनबिल्ट मिल जाएगा। ये स्पीकर चार्जेबल है और इसका बैटरी बैकअप कितना चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका ऑडियो क्वालिटी क्या होने वाला है वो भी सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे विथ वायर्ड माइक और वायरलेस माइक के साथ आपको मिलेगा। इसमें आप दो वायर्ड माइक लगा सकते हैं और एक वायरलेस माइक के साथ आपको मिलेगा, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले इस स्पीकर को रख लेते हैं। सही नीचे यार टेबल पर रखना पड़ेगा तो मुझे बहुत ही ऊंचा जाना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। और ये रहा हमारा फिलहाल स्पीकर, और आप देख सकते हैं ये हमारा स्पीकर है जो कि बाहर आ चुका है। और भी हम देख सकते हैं पहले बॉक्स में क्या, हमारे बॉक्स में और क्या क्या है। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा ये वायर्ड माइक, तो हम इसको रखते हैं अभी साइड में। और भी देख लेते हैं कि हमारे बॉक्स में क्या क्या है। और आप ये भी देख सकते हैं ये हमारा वायरलेस माइक है, जो कि यार बहुत ही प्रीमियम टाइप का लग रहा है, काफ़ी अच्छा ये माइक है। और भी देख लेते हैं इसमें क्या है। ये आपको एक रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा इसके स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सी टाइप डेटा केबल मिल गया है इसको चार्ज करने के लिए। तो भाई साहब एडाप्टर आपको खुद से लेना पड़ेगा। और ये चीज आपको माइक होल्डर दे रहा है, जो कि आप इस चीज को स्पीकर के पीछे अटैच करके और इसमें माइक होल्ड कर सकते हैं, तो वो भी काफी अच्छा चीज है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा दे दिया है, इसको डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, तो इसको रखते हैं नीचे, इसका पढ़ना कौन चाहता है। चलिए जल्दी से मारते हैं अपने स्पीकर पे। तो दोस्तों ये जो हमारा साउंड है, इस साउंड में आपको यहाँ पे दो स्पीकर देखने को मिल जाएगा। ये स्पीकर आपको 6-6 इंच का ये स्पीकर दिया गया है, और ट्रेवल के लिए यहाँ पे दो छोटे छोटे ट्वीटर दिए गए हैं जो छोटा स्पीकर है, और ये ट्रेवल का काम करते हैं, जो यार छन छन की आवाज आती है ना, तो वो उसका ये काम करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो होल्स छोड़े गए हैं, और ताकि इसमें से एयर पास हो और डिसेंट टाइप का आपको ऑडियो क्वालिटी और बहुत ही क्लियर टाइप आपको सुनने का मिले, तो इसीलिए यहाँ पे होल छोड़ा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन ऑन ऑफ के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप इस स्पीकर को ऑन कर सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है। और ये इसका वॉल्यूम बटन है, और ये आपका इको के लिए ये है, और ये माइक के वॉल्यूम के लिए है। और आपको बता दूं यहाँ पे USB आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप TF कार्ड रीडर लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये ऑक्स केबल है ताकि आप मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसको बजा सकते हैं इस स्पीकर को। यहाँ पे दो माइक वायर्ड माइक आप लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं माइक 1 माइक 2 यहाँ पे दो माइक लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी टाइप का आपको यहाँ पे जैक मिल जाएगा, जो कि आप सी टाइप डेटा केबल लगा के आप एडाप्टर से अपने इस स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइट को, यहाँ पे लाइट और वो भी आपको दिखाएंगे इस बटन का क्या काम है। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं इक्विलाइजर आप सेट कर सकते हैं, जैज पे, रॉक पे, नॉर्मल, क्लासिक, DJ, तो आप यहाँ पे भी इक्विलाइजर सेट कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बटन है ये ऑटो स्कैन के लिए है। FM पे अगर आप FM बजा रहे हैं, तो अगर आपको कोई चैनल नहीं मिलता तो इस पर आप क्लिक कर देते हैं, सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, और सब कुछ FM पर जितने भी चैनल होते हैं वो ऑटो स्कैन करके आपका फिक्स कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर FM पे आप मैन्युअली अपना चैनल FM का कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे FM कनेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों बटन से आप FM का जो चैनल है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको होल्ड करने के लिए काफी अच्छा से ये बनाया गया है, काफी स्ट्रांग है, इसको आप कहीं से ऐसे पकड़ के कैरी करके लेके जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिस्प्ले यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, आप यहाँ पे कोई भी अगर FM पे बजाते हैं यहाँ पे FM शो करेगा। उसके बाद अगर ब्लूटूथ आपका है तो ब्लूटूथ यहाँ पे शो करेगा, अगर आप वॉल्यूम कम ज्यादा भी करते हैं लाइक, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस स्पीकर में बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो वो भी हमको बता दे कि इसमें स्पीकर में आपको क्या क्या मिल जाएगा इसके बॉक्स में। दोस्तों इसके बॉक्स पे सब कुछ दिया है, तो वो भी आपको बता देते हैं कि इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे वायर्ड माइक एंड वायरलेस माइक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इजी एक्सेस टू कंट्रोल पैनल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। उसके बाद वायरलेस रिमोट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा, 50 वाट RMS आउटपुट भी आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा।
और आरजीबी ग्लो लाइट आपको मिल जाएगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। आरजीबी ग्लो लाइट है या फिर आरजीबी लाइट के नाम पे एक धब्बा दिया है, वो भी आपको सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे इक्वलाइजर कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा, माइक इनपुट भी है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है ये, और इसमें आपको 4400 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग जो टाइम दिया है इसको चार्ज करने का है तो बहुत ज्यादा, आपको 5 घंटा देना है इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए। तो इसका जो बैटरी का कैपेसिटी वो भी 4400 mAh की है और बैटरी बैकअप सिर्फ 4 घंटे, वो भी 75% वॉल्यूम पे। तो दोस्तों जहां पे आप 5 घंटा स्पीकर को चार्ज करने के लिए दे रहे हो वहां पे आप उस स्पीकर को सिर्फ 4 घंटे बजाते हैं। तो दोस्तों अगर कोई बंदा इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए 5 घंटा दे रहा हो तो कम से कम तो यार 5 घंटे तो बजने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4 घंटे इस स्पीकर को बजा सकते, वो भी सिर्फ फुल वॉल्यूम पे, सिर्फ 75% वॉल्यूम लेवल पे। तो दोस्तों इसमें जो आरजीबी ग्लो लाइट दिया गया है वो भी आपको मैं दिखा दूं कि वो आरजीबी ग्लो लाइट आखिर में है क्या। और आप इस स्पीकर में आप देख सकते हैं जो कि आपको आरजीबी लाइट के नाम पे यार धब्बा ही दिया गया, आप एक छोटा सा रेड लाइट जलता है और ये जो रेड लाइट जल रहा है इसमें आप थोड़ा सा इसको ब्राइट कर सकते हैं और थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूं तो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बटन दिया गया है ये लाइट वाला बटन, आप इससे इस चीज को थोड़ा सा ब्राइट और थोड़ा डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। तो जैसे कि इस स्पीकर में आप देख सकते हैं इस स्पीकर पे आरजीबी लाइट ग्लो आता है, वो ग्लो लाइट क्या है सिर्फ रेड लाइट जलती है, वो भी आप देख सकते हैं मैंने एक बार टैप किया तो थोड़ा सा ही ग्लो किया, उसके बाद सेकंड टाइम पे अगर आप एक और बार क्लिक करते तो थोड़ा सा ब्राइट होता है, वो कितना ब्राइट होता है वो भी आपके सामने दिख जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लाइट है सिर्फ यही आरजीबी लाइट ग्लो लाइट दिया गया है, तो यार मुझे ये तो कुछ कम लगा और यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम लगा था। तो दोस्तों मुझे ये आर्टिस्ट का स्पीकर जो कि मुझे 2 जगह पे थोड़ा सा कम देखने को मिला, तो और भी आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे अगर शायद आपको अच्छा लगे तो वो भी आपको सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इस स्पीकर में माइक होल्डर मैंने बात किया था कि माइक होल्डर के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज मेरे पास 2 चीज है जिसको होल्ड करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप इसको लगाएंगे, अटैच कर देंगे, अटैच करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे अटैच करना है, ये हो गया एक अटैच हो गया, और सेकंड यहाँ पे अटैच करना है, ओ ये तो नीचे गिर गया ना, मैं झुकेगा नहीं। अंकित अंकित इधर आओ दो जल्दी इसे। तो दोस्तों ये रहा और इसको भी हम अटैच कर लेते हैं, बस इसमें अटैच कर देना, आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये चीज अटैच हो चुका है। और इसमें अगर माइक आपको होल्ड करना है तो वो भी कैसे करते हैं ये भी आपको मैं दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छा ये हो गया हमारा एक माइक होल्ड और हमारा जो दूसरा माइक है और इसको भी हम होल्ड कर देते, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। आपको जब जरूरत पड़े आप माइक निकालिए, उसके बाद भाई साहब गाना शुरू कर दीजिए, लाइक आपको ये भी मैं टेस्ट करके दिखाई देता हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरा आवाज सुन रहे हैं ये इस स्पीकर में बज रहा है, और अभी तो मैंने इको इसका ऑफ किया, लेकिन इको थोड़ा सा ऑन करने पे आप देख सकते हैं मेरा आवाज में जो डिफरेंस दिखने को मिलेगा ये है इको। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा वायरलेस माइक, अभी हम चेक कर लेते हैं अपना वायर्ड माइक, फिलहाल अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ये हुआ हमारा कनेक्ट और इसको करते हैं हम ऑन। हेलो, तो दोस्तों इसका जो आप देख सकते हैं इसका जो माइक है बहुत ही ऑसम है और इसका जो क्वालिटी है बहुत ही डिसेंट टाइप का है, बहुत ही प्रीमियम वाला क्वालिटी है और इसकी आवाज यार बहुत ही मस्त है, और जो इसका इकोसिस्टम तो मुझे सबसे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका हम ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा स्पीकर बजा के हम आपको दिखा देते हैं कि क्या इसका क्वालिटी क्या है। दोस्तों ये रहा हमारा वायर्ड माइक, तो माय वायर्ड माइक भी हम आपको चेक करके दिखा दे, अब इसको रखते हैं हम थोड़ा सा साइड में, देते हैं अब आते हैं हम फाइनल यार अपने मोबाइल पे, ताकि मोबाइल से हम इस स्पीकर को कनेक्ट करके बजाते, इसका ऑडियो क्वालिटी भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। और ये हो गया हमारा स्पीकर कनेक्ट हमारे मोबाइल से, तो अब हम गाना बजा लेते हैं, एक सिंपल सा नॉर्मली गाना बजाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में आप यहाँ पे फुल मैंने वॉल्यूम कर दिया और मैंने इसका वॉल्यूम अभी स्पीकर का एकदम लो किया है, अब मैंने थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ। जहां तक कि मैं इसके ऑडियो क्वालिटी की बात करूं तो इसका वॉल्यूम बहुत
बहुत ही ज्यादा हाई है एक रूम के लिए, तो इसका जो ऑडियो क्वालिटी है मैं तो कहूंगा माइंड ब्लोइंग है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वायरलेस ब्लूटूथ पार्टी स्पीकर। तो ये तो हमने किया इसको इनडोर चेक, जो कि अपने रूम में चेक किया। अब इसको चलते थोड़ा आउटसाइड में हम चेक करते हैं क्या इसका ऑडियो क्वालिटी, क्या बाहर भी इतना ही क्लियर आवाज और इतना ही लाउड होता है कि उसका लाउड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रूम में अगर कोई स्पीकर बजाते हैं छोटा भी स्पीकर होता है तो काफी लाउड लगता है, क्योंकि चारों तरफ से बंद रहता है उसका जो आवाज होता है उस रूम में ही तक ही रहता है, तो काफी लाउड लगता है। हम बाहर चल के थोड़ा सा इसका ऑडियो क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो आज हम चलते हैं बाहर, चलते हैं आउटडोर में, हम बनाते हैं अपना वीडियो। और तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने आउटडोर साइड में, और स्पीकर का जो ऑडियो क्वालिटी वो भी हम चेक करना है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। अब चलते हैं हम म्यूजिक ऐप पे, उसके बाद हम एक सॉन्ग प्ले करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने एक गाना प्ले किया और अभी मेरे मोबाइल का जो वॉल्यूम है वो मैंने हाई रखा है और स्पीकर का मैंने वॉल्यूम पूरा डाउन रखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा। जहाँ तक मैंने कहा था कि इनडोर में ये ऑडियो क्वालिटी इसका बहुत ही औसम था, तो भाई साहब तो सेम ही बाहर भी इसका आउटडोर में भी इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत ही सही है, इसका जो वॉल्यूम है बहुत ही हाई है। तो दोस्तों आप इसको इनडोर में बजाएं या फिर आउटडोर में बजाएं तो बिल्कुल भी आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका वॉल्यूम जो कि बहुत ही हाई है तो आपको बहुत ही सच में मजा आने वाला है इस स्पीकर के साथ। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने स्टूडियो में, और जितना भी इसके आगे का जो वीडियो हम वहीं पर भी सारा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फुल एंड फाइनल वीडियो इस स्पीकर का, जितना सब कुछ था मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो कि ये स्पीकर सच में बहुत ही अच्छा है, इसका ऑडियो क्वालिटी काफी डिसेंट टाइप का है। इसमें जो आपका बेस और जो ट्रेबल है दोनों आपको बहुत ही बैलेंस आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा इसका ऑडियो क्वालिटी, इसका जो वॉल्यूम है काफी हाई है। और सच बताऊं तो इसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगा है कि इसका जो माइक है माइक सच में बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसमें आप 3 माइक यूज कर सकते हैं, ये तो रहा वायरलेस माइक जो कि, और 2 वायर्ड माइक आप यूज कर सकते हैं, 2 आप इसमें वायर्ड माइक यूज कर सकते हैं, 1 वायरलेस, तो काफी अच्छा है। एक छोटा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए ये स्पीकर तो मुझे सच में बहुत ही सही लगा, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।